क्लास टेंथ वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जरा मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोगों का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया बिहार बोर्ड की तरफ से, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास का तो रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब टेंथ क्लास का भी बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले विद्यार्थियों के पास बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। जी हाँ, फर्जी कॉल। और ये फर्जी कॉल कोई बिहार बोर्ड का सदस्य नहीं करता है, बल्कि ये फर्जी कॉल के पीछे वो फर्जी व्यक्ति होता है जो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को लूटने की कोशिश करता है। इस पर मैं आप लोग को ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो अपलोड करके सावधान भी की थी कि बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फर्जी कॉल आते हैं, और इन सब के पीछे फर्जी व्यक्ति होता है, कोई बिहार बोर्ड का कोई सदस्य नहीं रहता है, लुकने की कोशिश किया जाता है, चाहे टेंथ का हो या फिर ट्वेल्थ का। देखिए, टेंथ क्लास के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है ये मामला, ट्वेल्थ क्लास के साथ कम, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास वाले स्टूडेंट जो है ना, वो टेंथ क्लास इस प्रक्रिया से होकर गुजर गए रहते हैं, तो वो ये फ्रॉड कॉल पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन टेंथ क्लास वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं, इसलिए उनके पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं ये। अभी तो आप लोग जानते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, सभी लोग रोजगार ढूंढने की कोशिश में हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं पैसे कमाने की, और कुछ लोग जो हैं वो किसी भी तरह मतलब चाह रहे हैं गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के पीछे क्या हो रहा है, इस तरह के फर्जी कॉल आ रहे हैं और स्टूडेंट को लूटने की कोशिश की जा रही है। ये मैं आप लोगों को किस तरह ये फ्रॉड कॉल आते हैं, वो फर्जी व्यक्ति जो है ना स्टूडेंट से किस तरह बातें करता है, किस तरह विश्वास दिलाता है कि वो बिहार बोर्ड का सदस्य है, ये हर एक चीज़ मैं आप लोगों को उस वीडियो में बता चुकी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। कॉल करता है वो फ्रॉड, यानी कि वो फर्जी व्यक्ति है ना, फ्रॉड कॉल करता है स्टूडेंट के पास और बोलता है कि मैं बिहार बोर्ड की तरफ से बोल रहा हूँ, जबकि वो इंसान सच में कोई बिहार बोर्ड का सदस्य नहीं रहता है, लेकिन वो विश्वास दिलाने के लिए स्टूडेंट को बोलता है कि मैं बिहार बोर्ड की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका इस सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, नंबर कम है। एक सब्जेक्ट भी बता सकता है, दो सब्जेक्ट भी बता सकता है, तीन सब्जेक्ट भी बता सकता है, कितना भी, उसके ऊपर है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट विश्वास नहीं करते हैं ना, तो विश्वास दिलाने के लिए वो जो फर्जी इंसान है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर, रोल कोड, माता पिता का नाम, उसका नाम, उसका एड्रेस, हर चीज़ बता देता है, क्योंकि उसके पास ये सारा डिटेल्स रहता है। क्योंकि आप जब फॉर्म भरवाते हैं ना, टेंथ का हो या फिर ट्वेल्थ का, तो आप लोग देते हैं सारा इन्फॉर्मेशन, देते हैं अपने, अपना एड्रेस देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, यहाँ तक कि माता पिता का नाम देते हैं, ये सब आप लोग फॉर्म भरवाते समय देते हैं, और एडमिट कार्ड पर ये सब कुछ लिखा रहता है, और इसीलिए वो विश्वास दिलाने के लिए सारा डिटेल्स आपका बता देता है, और बहुत सारे स्टूडेंट विश्वास कर लेते हैं। ये हर एक चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताई हूँ। लेकिन अब बात आती है कि फिर मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ ये चीज़, तो दोबारा इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने के साथ साथ, इंसान के सोच में परिवर्तन होने के साथ साथ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ साथ, ये जो फ्रॉड इंसान है ना, उसके सोच में भी परिवर्तन हो चुका है, वो भी नए नए हथकंडे अपना रहा है स्टूडेंट को लूटने की। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले तो ये जो फर्जी इंसान है, फर्जी कॉल करके, फ्रॉड कॉल करके विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ रोल नंबर, रोल कोड, एड्रेस और माता पिता का नाम बताकर स्टूडेंट को विश्वास दिलाता था कि वो बिहार बोर्ड की तरफ से बोल रहा है, सिर्फ इतना होता था। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब पता है क्या हो रहा है, अब ये फर्जी इंसान फर्जी कॉल कर रहा है स्टूडेंट के पास विश्वास दिलाने के लिए कि वो बिहार बोर्ड की तरफ से बोल रहा है। अगर स्टूडेंट विश्वास नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट स्टूडेंट का मार्कशीट उसके व्हाट्सएप पर भेज दे रहा है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को ये मार्कशीट दिखाई दे रहा होगा, ये जो मार्कशीट है ये रियल ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो फर्जी इंसान के द्वारा भेजा गया मार्कशीट है। जिस विद्यार्थी का ये मार्कशीट है ना, उसी के पास ये कॉल आया था। वो सारा चीज़ हमको बताया कि उसके पास किस तरह कॉल आया था और बोल रहा था वो फर्जी इंसान कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, आप इस जगह से बिलोंग करते हो, और आपका ये दो विषय में, दो सब्जेक्ट में नंबर कम है, मैं चाहता हूँ कि बढ़ा कर दे दूँ, इसीलिए आपको फ़ोनपे या फिर गूगल पे, पेटीएम के जरिए आप लोग को इतना पैसा पे करना होगा। इस तरह का कॉल उस विद्यार्थी के पास आया था, वो विद्यार्थी विश्वास नहीं कर रहा था, तो वो जो फर्जी इंसान है डायरेक्ट उस विद्यार्थी के व्हाट्सएप पर ये मार्कशीट भेज दिया, जो कि ये मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है। इसको 2022 का मार्कशीट है ना, उसी को एडिटिंग करके 2023 बना दिया गया है, और जब आप लोग इसको जूम करके देखेंगे ओरिजिनल नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी विश्वास दिलाने के लिए वो जो फर्जी इंसान है इस तरह का हथकंडा अपनाया है। तो इस तरह का फ्रॉड कॉल उस विद्यार्थी के पास आया था, और वो विद्यार्थी हमसे कॉन्टैक्ट करके सारा बात बताया, सारा घटना जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ बताया, और उस वक्त मैं जो चीज़ें, जो बातें उस विद्यार्थी को समझाई ना, वही बात मैं आप सभी लोगों को, आप सभी विद्यार्थियों को इस वक्त समझाना चाहती हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरा दो मिनट। सबसे पहली बात तो अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए, अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में बिहार बोर्ड की तरफ से, या फिर बिहार बोर्ड के किसी भी सदस्य की तरफ से, या फिर बिहार बोर्ड के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस तरह का कॉल नहीं आता है कि मैं बिहार बोर्ड की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका इस विषय में नंबर कम है, मैं चाहता हूँ कि नंबर बढ़ा कर दे दूँ, आप फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे कर दीजिए, इतना पैसा पे कर दीजिए, इस तरह का कभी भी कॉल आता ही नहीं है, ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए, बिठा लीजिए। और जब भी इस तरह का कॉल आए तो तुरंत फोन को काटिए, उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तुरंत फोन को काटकर उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए और आराम से टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इस तरह का कॉल कभी भी बिहार बोर्ड की तरफ से आता ही नहीं है। जब भी आप लोग के पास इस तरह का कॉल आए, हो सकता है कि अभी आप लोग के पास नहीं आया हो इस तरह का कॉल, फ्रॉड कॉल,
आने वाला हो या फिर अभी आ चुका हो, अभी आप उसके झांसे में पड़ रहे हो, तो जिस तरह का भी मतलब जिस तरह भी ये फ्रॉड जो इंसान है आप लोगों को फ्रॉड कॉल करके लुभाने की कोशिश करे, विश्वास दिलाने की कोशिश करे, आप लोगों को ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जब भी इस तरह का बात है ना कि मैं बिहार बोर्ड की तरफ से बोल रहा हूँ, इस नंबर में आपका इस सब्जेक्ट में आप लोग का नंबर कम है, मैं चाहता हूँ कि बढ़ा कर दे, तुरंत फ़ोन काटिए और नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए तुरंत और टेंशन फ्री हो जाइए। आप लोग जितना लिखे हैं उसी हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलेगा, कम लिखे हैं कम नंबर मिलेगा, ज़्यादा लिखे हैं अच्छा लिखे अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना, एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं, कॉपी जब इकट्ठा कर लिया जाता है और जाता है चेक करने के लिए, कॉपी जाँच होने के लिए, तो कॉपी पर जहाँ पर आपका फ़ोटो लगा रहता है, रोल कोड रोल नंबर सारा डिटेल्स आपका लिखा रहता है, आपका एड्रेस हर एक चीज़, वहाँ पर एक कार्बन का बारकोड चढ़ा दिया जाता है जिससे आपका सारा डिटेल्स ढक जाता है, आपका फ़ोटो आपका रोल कोड रोल नंबर आपका एड्रेस हर चीज़ ढक जाता है, वहाँ पर कार्बन का एक बारकोड चढ़ा दिया जाता है। अब जो कॉपी चेक करने वाला है, बस उसको कॉपी चेक करने से मतलब है, वो कॉपी किस स्टूडेंट का है इससे उसका कोई मतलब नहीं रहता है, कितना वो स्टूडेंट लिखा है उसके हिसाब से उसको नंबर देना रहता है। चाह कर भी वो जो बिहार बोर्ड का जो सदस्य कॉपी चेक कर रहा होता है, वो चाह कर भी अपने स्टूडेंट का नंबर नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कॉपी किसका है, क्योंकि जहाँ पर नाम रोल कोड रोल नंबर वगैरह लिखा रहता है वहाँ पर बार कोड चढ़ा दिया जाता है, ढक जाता है सब कुछ, बस उसको कॉपी चेक करना है, जितना स्टूडेंट लिखा है उस हिसाब से नंबर दे देना है। और इस तरह वो चाह कर भी नंबर अपने ही स्टूडेंट का नहीं बढ़ा सकता है, और जब कॉपी चेक हो जाता है तो वही बारकोड चढ़ा रहता है, भेज दिया जाता है बिहार बोर्ड के पास और बारकोड को स्कैन करके आप लोगों का मार्कशीट बना दिया जाता है। तो इतना सेफली आप लोगों का कॉपी जो है ना जांच होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कम लिखा हूं तो ये इंसान बोल रहा है नंबर बढ़वा देने के लिए, तो नंबर बढ़वा देगा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जितना आप लोग लिखे कम लिख रहे हैं तो कम ही मिलेगा आपको नंबर, ज़्यादा लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोग का नंबर मिलेगा। ये आप लोग माइंड में बिठा लीजिए कि एग्ज़ाम दे लेने के बाद जितना आप लोग लिखे हैं उतना ही आप लोग को नंबर मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है। मुझे तो उन लोगों पर शर्म आती है जो किस तरह के काम करते हैं, क्या उनको अपने आप पर शर्म नहीं आती? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस तरह का काम करना छोड़ दें, गलत तरीके से पैसा कमा कर आप कोई अच्छा काम नहीं करें, कोई तीर नहीं मार ले रहे हैं। मानती हूँ कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, लेकिन रोज़गार प्राप्त करने के लिए ये गलत तरीके से गलत हथकंडा अपनाकर आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप उन लोगों से पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उन व्यक्ति से पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं जो इस देश का भविष्य है, इस देश का भविष्य हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनसे आप लोग पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोज़गारी है तो अच्छे कर्म करके पैसा कमाइए, सुख भी मिलेगा शांति भी मिलेगी। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इस तरह के गलत काम छोड़ दें, जिसे आप लूट रहे हैं वो देश का भविष्य है, उन्हें झांसे में न डालें। और मैं तो अपने स्टूडेंट अपने विद्यार्थी को ही बोलूँगी कि जो फर्जी व्यक्ति है उनको कितना भी मैं बोलती रह जाऊँ वो अपना ही करेंगे, वो गलत काम करना छोड़ेंगे नहीं। अगर हो सकता है कि मेरे बात से इंस्पायर हुए हो तो वो गलत काम छोड़ दे, लेकिन हाँ मैं अपने विद्यार्थियों को सतर्क कर सकती हूँ, सावधान कर सकती हूँ। इसीलिए जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, जितने भी मेरे व्यूवर हैं सब्सक्राइबर हैं, आप सभी लोग सावधान रहे, सतर्क रहे इस तरह के फ्रॉड कॉल से और जुड़े रहे ज्ञापन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके उन्हें ज़्यादा शेयर कर दे, दबा कर शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस तरह के फ्रॉड कॉल से सावधान रह सके। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।